कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। यह जो 250 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का यह जो है आपका पांचवा पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 110 तक हो चुका था, तो अब 111 से जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण हैं घरेलू कार्य का होना, बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करना। तो दोनों इसका उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि घरेलू कार्य के कारण भी बच्चे जो है विद्यालय छोड़ते हैं और जो है पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करने के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाएं तैयार की जाए, छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए और छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान किए जाए। ठीक है, तो आप इसमें गौर कीजिए कि अगर उत्तम अनुशासन के लिए अब यहां पे बोल रहा है कि कौन सा आधार बुनियादी नहीं है ऐसा जो है, तो यहां पर देखिए जो निगेटिव सेंस का वाक्य है उसको खोजिए इसमें से। अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए पॉजिटिव ही है, अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजना यह भी सही है, छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए ये कोई बुनियादी जो है आधार नहीं है। भय करके अनुशासन आप नहीं बच्चे में ला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर हो जाएगा। 112 का क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं 113 नंबर पर। छोटे बच्चों को शिक्षकों द्वारा गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना एक कानूनी जुर्म? तो बिल्कुल, अब यह कानून बन गया कि आप जो है बच्चे को जो है मारपीट नहीं सकते, कानूनन अपराध है, तो एक क्या है यह कानूनी जुर्म है। तो 113 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। शिक्षक जब दंड दे तो उसकी मुद्रा होनी चाहिए हास्यास्पद, यानी हंसते हुए, गंभीर, प्रेमपूर्ण, भयंकर। तो ना ही प्रेमपूर्वक होना चाहिए, ना ही हास्यास्पद होना चाहिए, ना ही भयंकर होना चाहिए। उसकी जो मुद्रा होनी चाहिए गंभीर रूप से, मतलब बच्चा थोड़ा सा उसको गंभीरता से ले उस दंड को, तो गंभीर होनी चाहिए। ठीक है, 114 का ए। छात्र कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है अपनी प्रशंसा, अपना गृह कार्य, अपना आत्मसम्मान, अपने सहपाठी का सम्मान। तो कोई भी छात्र जो है कक्षा में जरूर सुनिश्चित करना चाहेगा अपना आत्म सम्मान। तो 115 का जो इसका सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर है वह है सी, आत्म सम्मान। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब देखिए। कक्षा में मॉनिटर का कार्य है शिक्षक को प्रसन्न रखना, तो ऐसा नहीं शिक्षक के आगे पीछे घूमना, ये भी नहीं शिक्षक को कक्षा कार्यों में सहयोग करना और शिक्षक के कार्यों का वहन करना, नहीं बिल्कुल शिक्षक को कक्षा कार्यों में सहयोग करने का काम मॉनिटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उपयुक्त आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अपमानित करना किस प्रकार का दंड है? मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, श्रम। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों को अपमानित करना एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक जो है दंड है। तो ऑप्शन नंबर ए 117 का ए। अब क्वेश्चन आते हैं 118 पर। विद्यार्थी के अगर क्लास के बाद रोककर काम कराया जाए तो किस प्रकार का दंड श्रेणी में आएगा? तो वह क्या हो जाएगा, एक प्रकार का श्रम दंड हो जाएगा, क्योंकि आप रोक करके उसे काम करवा रहे हैं, यानी श्रम का दंड दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शारीरिक दंड के विरोधी हैं शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक, दोनों जो है शारीरिक दंड जो बच्चे को दिए जाते हैं उसके विरोधी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उपयुक्त आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 120 पर। यहाँ पर है दंड देने के समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? दिया जाने वाला दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए, दंड की मात्रा अपराध के अनुरूप होना चाहिए, दंड छात्र के शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो, दंड के वक्त, दंड देने वक्त ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 120 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 121 नंबर पर। किसका कहना है दंड एक प्रकार का सामाजिक निंदा है? इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। ठीक है, तो यह जो कथन है वह
किनका है? तो यह है सदरलैंड का कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहां पे क्लिक करेंगे। दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है जिसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित ही हो। यह कथन किनका है? तो सदरलैंड का। विद्यार्थी शिक्षक के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ दिया जाता है दंडित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो विद्यार्थी शिक्षक के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो उसको जो है पुरस्कृत तो आप करेंगे नहीं, दंडित किया जाता है, बिल्कुल दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए, 122 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 123 नंबर पर। अच्छे विद्यार्थी के गुण है, क्या गुण है? पढ़ाई करे बिल्कुल, अनुशासन में दोनों, यानी ए और बी, तो पढ़ाई भी करना चाहिए और अनुशासन में भी रहना चाहिए, अच्छे विद्यार्थी का यही गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल तार्किक है, आप आराम से सोच करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? कठोर, विनम्र किंतु दृढ़। तो इसका उपयुक्त आंसर है सबसे ज्यादा विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। वर्तमान में निजी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो निजी विद्यालयों में आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र के बच्चे से ही पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 125 का, वो हो जाएगा आपका 3 वर्ष। ठीक है, निजी विद्यालय प्ले स्कूल में से 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम सीमा क्या है? 3 वर्ष। निम्नलिखित में से किन किन विद्वानों ने मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया? तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे सभी ने दिया है कि जो बच्चे का जो पढ़ाई हो मातृभाषा के रूप में ही स्टार्ट हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो समझ सके। तो ये सभी जो भी दार्शनिक हुए हैं, महात्मा गांधी या शिक्षाविद हैं, ये सब इनका कथन था ये। ठीक है, इन लोग का मानना यही है कि बच्चे को जो है मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने का आदर्श आयु कितना वर्ष है? तो वो है 6 वर्ष। कितना है आयु? आदर्श आयु जो है बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का, वो आदर्श आयु जो है वो है 6 वर्ष। ठीक है, बच्चों के आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा देनी चाहिए? तो सर्वप्रथम उसको जो है भाषा का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है और सर्वप्रथम जो है बच्चे को भाषा की ही शिक्षा देनी चाहिए। 128 का ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, मातृभाषा। तो मातृभाषा होनी चाहिए, जो बच्चा जिस भाषा में बोलता है वो भाषा उसकी होनी चाहिए। उसका शिक्षा आरंभ करने के प्रमुख तत्व हो सकते हैं आयु, शिक्षा की विषय वस्तु, शिक्षा का माध्यम, उपयुक्त सभी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 131 पर। बालक को शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख अभिकरण है परिवार, स्वयंसेवी शैक्षिक संगठन, पालन घर, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख अभिकरण जो है इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जगह बच्चे जो है शिक्षा अध्ययन करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभिकरण सब पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। 132, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूल से, पड़ोस से, परिवार से, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बच्चे जो है पढ़ना अपनी माँ से सीखते हैं, माँ से सीखते हैं ज्यादातर बच्चे, तो परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है पढ़ाई। उसके बाद 133 नंबर पर आते हैं। साधारणतः किस आयु में बच्चों का मानसिक स्तर तर्क एवं चिंतन लायक हो जाता है? तो बच्चे जो है तर्क एवं चिंतन करने का, जो तर्क और चिंतन जो करने लगते हैं, वो आयु जो होता है वो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के बाद बच्चे जो है चिंतन और तर्क करने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 134 का क्या हम यहाँ पर क्लिक कर दे? तो बी। ठीक है, 134वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, सॉरी, 53वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। गांधी के मतानुसार कितने वर्ष के बालक को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो 8 वर्ष तक के बालक को जो है गांधी जी के अनुसार, ठीक है, गांधी जी के अनुसार मात्र 8 वर्ष तक के बालक को जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद है विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित पोशाक अपनाने के पीछे मूल भावना होती है नैतिकता का विकास, सदाचार का विकास, सांस्कृतिक आर्थिक समानता का विकास, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पे पोशाक का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 137 पर। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पोशाक आवश्यकता है पहचान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अब संस्कृति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहचान के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर, तो
विद्यालय के पोशाक से भी बच्चे पहचाने जाते हैं, तो पहचान के लिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 138 पर, विद्यालय के शैक्षणिक उत्साह संवर्धन हेतु विद्यार्थियों के लिए है निर्धारित पोशाक का होना आवश्यक नहीं है, निर्धारित पोशाक का होना आवश्यक है, तो ये आपका यहाँ पे उपयुक्त आंसर लग रहा है, विद्यालय में भोजन की व्यवस्था नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी 138 का जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर है, तो 138 को हम बी टिक लगा देते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है, विकलांग बालक, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, उपयुक्त सभी, तो सभी यहाँ पे जो हैं वो विशिष्ट श्रेणी में आते हैं, सबको एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा अलग से देने की व्यवस्था सरकारी विद्यालयों में की जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति कहते हैं। विकलांगता की परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा 140 नंबर जो क्वेश्चन है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो, ठीक है, करो एवं करो ने ही विकलांगता का यह परिभाषा दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं, विकलांग व्यक्तियों को समाज में अभियोजन में क्या बाधाएं उत्पन्न होती है, बुद्धि की कमी के कारण, हीन भावना के कारण, तो जो भी होता है वो हीन भावना के कारण ही होता है, ठीक है, बुद्धि कम नहीं होती बल्कि हीन भावना के कारण जो है बाधा उत्पन्न होती है। उसके बाद अंधों से पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसने एक खास प्रकार की पद्धति का विकसित किया, तो लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी अंधों को विशेष रूप से पढ़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रेल पद्धति से अंधा व्यक्ति किस अंग के सहारे अक्षरों को पढ़ता है, उंगली के अगले भाग से, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए उंगली के अगले भाग से ही ब्रेल लिपि में पढ़ा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर, बाहरे बच्चों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ईयरफोन, वायरलेस, टेलीस्कोप, टेलीविजन, तो यहाँ पर जो बाहरे बच्चे हैं उनके लिए जो है वह ईयरफोन लगा करके उनको जो है सहारा लिया जाता है ईयरफोन का। एक समान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आपको पता होगा समान जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है वह आपका 90 से 110 के बीच में होता है, ठीक है, तो जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होता है, उससे जो ज़्यादा होते हैं वो जो है तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले, और उससे कम जो है जड़ बुद्धि वाले। अब देखिए यहाँ पर है जड़ बुद्धि वाले लोगों की IQ कितनी होती है, तो 146 क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि जड़ बुद्धि मतलब जो मूर्ख टाइप के होते हैं, जड़ मूर्खता से ही जोड़ सकते हैं, जो जल्दी समझते नहीं है कोई भी चीज़ को, तो उनकी IQ क्या होती है, तो 50 से कम होती है, ठीक है, जड़ बुद्धि वाले लोगों की IQ क्या होती है, 50 से कम होती है, 146 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं 147 नंबर पर, अब क्वेश्चन है मूढ़ व्यक्तियों की IQ कितनी होती है, ठीक है, तो मूढ़ व्यक्तियों की IQ जो है 50 से कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 50 से कम देंगे, 25 से 49, ठीक है, 50 से 70 IQ वाले लोग किस श्रेणी में आते हैं, तो यह मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, तो यह मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है IQ से रिलेटेड, 110 प्लस जो भी IQ होता है प्रखर बुद्धि का होता है, और जो 70 से कम मान के चलिए तो वह जो है वह मूर्ख का ही होता है, ठीक है, और जर जो है 50 से 25 का होता है, और जो एकदम मूड होता है वह 25 से 49 होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे आप। मंद बुद्धि व्यक्ति वह है जिसकी बुद्धि लब्धि स्तर या इससे कम होती है, और जो बुद्धि के दृष्टिकोण से न्यूनतम 2% व्यक्तियों में होता है, यह कथन किनका है, तो यह कथन जो दिया हुआ है यह कथन जो है वह हॉलिंगवर्थ का है, किनका है, तो हॉलिंगवर्थ का है, 149 का डी, ठीक है। अब 150 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 150वां, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, तर्क शक्ति का अभाव, तो बिल्कुल व्यवहारिक अनियमितता, शिक्षण क्षमता का अभाव, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति हैं तो उनमें व्यवहारिक अनियमितता भी होती है, तर्क शक्ति का अभाव भी रहेगा, और शिक्षण क्षमता का भी अभाव रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज के सेट में 40 क्वेश्चन किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अब एग्जाम के बहुत ही कम टाइम बचे हैं, तो आप इसको एक बार बस थ्रोली तर्क शक्ति अपने, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार सुन लें अच्छे से, जिससे कि आपके अंदर जो है वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और आपके अंदर तर्क शक्ति का विकास हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।